करीना कपूर जो होती है ये वही कुआ होता है और बच्चे को पानी पिलाती है, और एक सीन के अंदर फिर अभिषेक बच्चन को पानी पिलाती रहती है उस मटकी से। तो देखिए ये जो स्क्रीनशॉट वाला सीन आप देख पा रहे हैं, इस सीन को इसी छतरी के अंदर से हमें दिखाया गया है। ये जो सामने फिक्स जो ये जो जगह आप देख पा रहे हैं, इसी जगह करीना कपूर बैठी रहती है और वो हंसती रहती है गाने के अंदर। यहाँ पर मतलब जो अभिषेक बच्चन जो होते हैं वो यहाँ पर जाते रहते हैं, तो वो सीन यहाँ से दिखाया गया। वो जेपी दत्ता क्या बोलते थे आप बता रहे थे? उनको कट ऑफ बोलते थे, रोको ये सीन वहाँ पर दोबारा करो, ये बैठा नहीं। तो एक सीन को उन्होंने 10-10 बार करवाया उनसे, क्योंकि वो उनकी स्टार्टिंग हाँ उनकी स्टार्टिंग थी, पहली फिल्म थी उनकी, तो वो भी एक मतलब तरह सीख ही रहे थे दोनों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो के अंदर जिस फिल्म की शूटिंग लोकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं, उस फिल्म का नाम है रिफ्यूजी। तो रिफ्यूजी जो फिल्म है सन 2000 के अंदर ये फिल्म रिलीज हुई थी, और ये जो फिल्म है ये फिल्म करीना कपूर की पहली फिल्म थी। तो यानी कि करीना कपूर ने बॉलीवुड के अंदर, बॉलीवुड फिल्मों के अंदर जिस फिल्म से डेब्यू किया था उस फिल्म का नाम रिफ्यूजी है। इसी के साथ साथ में जो अभिषेक बच्चन जो है उनकी भी ये पहली फिल्म थी, तो दोनों हीरो और हीरोइन की ये पहली फिल्म थी जिस फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड के अंदर डेब्यू किया था। आज के हमारे इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिफ्यूजी फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखाने वाला हूं, जो कि सन 2000 के अंदर रिलीज हुई थी। तो आज मैं पहुंचा हूं जयपुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक गांव है, तो अभी मैं आपको सब कुछ इस गाँव के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो देखिए हम लगभग 1 या 1.5 साल पहले यहाँ पर आए थे, जब हमने बंजारन फिल्म की शूटिंग लोकेशन का वीडियो बनाया था जमवारावगढ़ बांध से, तो तब हम यहाँ पे आए थे और ये अंकल जी हमारे को यहाँ पर मिले थे। तो इन्होंने ही हमारे को ये जानकारी दी थी कि यहाँ पर करीना कपूर की रिफ्यूजी फिल्म की शूटिंग हुई है। तो उस टाइम तो वीडियो बनाना हुआ नहीं, लेकिन आज लगभग 1.5 साल के बाद हम फिर इस गांव के अंदर आए हैं, और ये हैं अंकल जी। तो ये हमारे को ये पूरी लोकेशन विजिट करवाएंगे, यहीं पर फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो नमस्ते अंकल जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यनारायण शर्मा है, मैं यहीं का स्थानीय रहने वाला हूँ, अस्थल गांव का। ये गांव का क्या नाम है इसका? अस्थल थोलाई। तो मतलब जमवारावगढ़ बांध से कितनी दूर है ये? जमवारावगढ़ बांध से 6 किलोमीटर पड़ता है। 6 किलोमीटर और मेन शहर से जमवारावगढ़ से 40 किलोमीटर, मेन शहर से 13 किलोमीटर पड़ता है जमवारावगढ़ से, और जयपुर से 40 किलोमीटर पड़ता है ये। तो यहाँ पर रिफ्यूजी फिल्म की शूटिंग हुई? हाँ, यहाँ करीना और अभिषेक बच्चन जी की शूटिंग हुई थी। आपने देखी थी फिल्म की शूटिंग? हाँ, देखी थी। तो आप मतलब कितने बड़े थे उस टाइम? मैं उस टाइम करीब ये मान लो नादानी होंगे, 20-22 साल का था मैं। तो ये जो जगह, ये मतलब कोई नदी है या क्या? ये नदी है, ये बाणगंगा है। बाणगंगा है ना? अच्छा, आती है कभी नदी? हाँ आती है ना, बारिश 2011 में आई थी, उसके बाद में नहीं आई है। अच्छा, तो ये जो फिल्म के अंदर ये जो जगह दिखाई गई है ये क्या है मतलब? ये छतरी है, ये पहले राजा महाराजाओं के टाइम की छतरी अब बनी हुई है। हाँ। और बालाजी का मंदिर भी है इसमें स्थापित। हाँ, तो मतलब क्या सीन यहाँ पे शूट हुआ था फिल्म के अंदर? यहाँ गाने का सीन शूट हुआ था, और वो सपने का गाना दोहराया गया था यहाँ। हाँ। तो उसके 2-3 शॉट लिए गए थे यहाँ। वो करीना कपूर सपना देखती है, अभिषेक बच्चन आ गया है। करीना कपूर यहाँ पे सपना देखती है, उसको फिल्माया गया था। अच्छा, और वो जैसे वो पानी पिलाती है मटकी से वो बच्चे को और अभिषेक बच्चन? हाँ, तो उस टाइम क्या है, वो गणगौर वाली लड़कियाँ यहाँ पूजने आई हुई थी गणगौर। तो उस उनको देख के उनको बुला के चलते रहो, और इस कुएं पर आए वो। पहले इस छतरी में थे, फिर कुएं पर आए, फिर कुएं पर उस पानी पिलाते हुए सीन फिल्म आया गया था। किधर है वो कुआ? किधर है वो कुआ? भी यही है, पास में ही है वो, देखो उधर अभी दिखाता हूँ मैं आपको, आओ। तो देखिए आप फिल्म के अंदर जो सीन यहाँ से दिखाए गए हैं वो बेसिकली एक गाने के अंदर हमें दिखाए गए हैं। फिल्म के अंदर एक गाना आता है ऐसा लगता है, तो इस गाने के अंदर जो करीना कपूर जो होती है वो मतलब सोती हुई एक सपना देखती रहती है, और उसके अंदर मतलब जो अभिषेक बच्चन है वो उनके सपने में आ जाते हैं उनके गांव के अंदर यहाँ पे उनसे मिलने, तो ऐसा कुछ सीन होता है फिल्म के अंदर। तो वो यहाँ पर आते हैं, तो मतलब सपने का ही सीन यहाँ से दिखाया जाता रहता है। हाँ। इसके अलावा ये छतरियां हैं, इनका सीन दिखाया जाता है। अभी हम थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे पहुंच गए हैं, इसके साथ ही
फिल्म के गाने के अंदर लास्ट के अंदर कुछ सीन ऐसे आते हैं जिसके अंदर मतलब दोनों की शादी हो जाती है, तब भी इसी छतरी को हमें दिखाया गया। वो भी छतरी को पूरा हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो के अंदर। और ये अंकल जी हमारे को पूरी जानकारी देखें क्योंकि इन्होंने खुद फिल्म की शूटिंग होते हुए यहाँ पर देखी थी उस टाइम में। तो अभी हम इस छतरी के बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं और देखते हैं मतलब अभी क्या चेंजेस वगैरह यहाँ पर हो गए हैं। तो अभी हम उन छतरियों के बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं। एक जानकारी और इंटरेस्टिंग मेरे को यहाँ से मिली है अंकल जी से, ये नदी के बारे में आपका क्या बता रहे थे, बाणगंगा नदी के बारे में? हाँ, ये अर्जुन जी की निकाली हुई है एक बाण से। अच्छा, ऐसा इतिहास है ना, एक ही बाण से वो मैट बरार से निकली हुई है, एक ही बाण से निकली हुई है ये। और ये 2001 तक तो चलती थी सरजीवती, उसके बाद में बिल्कुल सूख गई है। उसके बाद में फिर ये 2011 में एक बार चली थी। अच्छा, उसके बाद में यहाँ बरसात ही नहीं। और जैसे यहाँ पे आपने फिल्म की जब शूटिंग होते हुए देखी थी तो कुछ यादें आपको है कुछ जैसे डायरेक्टर के बारे में? हाँ, जेपी दत्ता थी डायरेक्टर और करीना कपूर और अभिषेक बच्चन जी थे। मैं 22 साल का था उस टाइम, तो मैंने आंखों से देखी थी वो शूटिंग। तो उनके बार बार यहाँ सीन फिल्म आए गए थे। अच्छा, वो जेपी दत्ता क्या बोलते थे आप बता रहे थे? उनको कट ऑफ बोलते थे, रोको ये सीन वो पर दोबारा करो, ये बैठा नहीं। तो एक सीन को उन्होंने 10-10 बार करवाया उनसे, क्योंकि वो उनकी स्टार्टिंग थी। हाँ, उनकी स्टार्टिंग थी, पहली फिल्म थी उनकी। तो वो भी एक मतलब तरह सीख ही रहे थे दोनों, यहीं से उन्होंने हॉलीवुड में पग रखा है दोनों ने, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन जी की। वो पहली फिल्म थी, यहीं से फिल्म की शूटिंग होती थी तो यहाँ पे कोई लोगों की भीड़ होती थी? हाँ, खूब पूरे गाँव वाले आ जाते थे यहाँ देखने के लिए, भीड़ जमा। यहाँ पे फिल्म की शूटिंग हुई, यहाँ पहले भी हुई है कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। मैंने उस फिल्म की कितने दिन यहाँ पे शूटिंग हुई? यहाँ एक ही दिन हुई थी वो, एक ही दिन। सुबह आए थे वो, शाम तक यहीं रहे थे वो। तो उस एक गाने को डेवलप करने में उनको उस गाने के 2-4 शॉट लेने में शाम हो गई थी यहीं। लास्ट का सीन यहीं का ही है। अच्छा, वो जो वो सूरज आन जो जब वो सीन यही का, हाँ, इन पहाड़ों के ऊपर से ऐसे कैसे था वो सीन लास्ट में। अच्छा, और कुछ चेंजेस कुछ हुए हैं? हाँ, बहुत हो गए। ये देखो, यहाँ टीले थे, होटल बन गई इधर, और इधर ये बालाजी का मंदिर बन गया। नहीं, ये भी नहीं था पहले। और ये जो छतरी है, मतलब जो जो जिस हालत में थी ना आज, उसी हालत में उस टाइम थी। देखिए, आप ये दिखा सकते हैं मतलब अभी, मतलब ये जो छतरी है थोड़ी खंडर सी हो गई है, लेकिन आप इसको देख के समझ सकते हैं मतलब कितनी पुरानी ये छतरी है। ऊपर आप देख पा रहे होंगे, हजारों वर्ष पुरानी छतरी है ये। तो यहाँ पे ये जो मंदिर है, ये मंदिर इसका, ये मंदिर तो शुरू से था लेकिन ये होल बाद में बना है 2011 में। मंदिर किसका? बजरंगबली का। हाँ, बजरंगबली का मंदिर है यही। तो ये देखिए, बालाजी का मंदिर है ये, बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है ये। तो मतलब ये होल वगैरह यहाँ पर बाद में बने? हाँ, ये होल बाद में बने, 10-11 साल बाद में बने ये होल। बालाजी तो थे। तो अभी ये मंदिर मैंने आपको दिखा दिया है, अब मैं आपको वो छतरी आपको दिखाने जा रहा हूँ जहां पर फिल्म की शूटिंग हुई थी और जहां पर मतलब जो शादी का जो सीन है वो दिखाया गया था अभिषेक बच्चन और करीना कपूर का, वो इसी में से दिखाया गया। हाँ, इसी छतरी में से दिखाया। चलो, इधर से चलना पड़ेगा। चलो, इधर से चलो। तो अभी हम इस छतरी के अंदर चल रहे हैं जिस छतरी को हमें फिल्म के गाने के अंदर दिखाया गया है। अभी जैसे कि कुछ डेवलपमेंट तो यहाँ पे हो गया है इस मंदिर के आसपास में, इस छतरी के आसपास में, लेकिन ये जो छतरी है फिलहाल उतनी ही पुरानी है। देखिए, आप पीछे देख सकते हैं कुछ काम वगैरह यहाँ पर चल रहा है। ये देखिए कितने वर्ग लोग यहाँ पर कुछ मंदिर का कुछ निर्माण कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए फिल्म के गाने के अंदर जो सीन यहाँ से दिखाया गया है कुछ इस प्रकार से दिखाया गया। कौन सा सीन? जो शादी का छतरी से ही था वो, और छतरी से ही वहाँ सामने थोड़ा जो दिख रहा है आपको किला, इस छतरी के अंदर से वो निकल के आते हैं शादी होके, है ना। तो देखिए, ये जो स्क्रीनशॉट वाला सीन आप देख पा रहे हैं, इस सीन को इसी छतरी के अंदर से हमें दिखाया गया है। सीन कुछ इस प्रकार से होता है, जो करीना कपूर जो होती है वो एक मतलब इस छतरी के अंदर एक चुनरी लहराती रहती है, और इसके बाद अभिषेक बच्चन यहाँ पे आते हैं, और एक शादी टाइप का सीन होता है जो इस छतरी के अंदर से दिखाया गया है। ये स्क्रीन शॉट मैंने लगा दिए है और आप देख सकते हैं इस सीन को यही इसी छतरी के अंदर से दिखाया गया है। थोड़ा और ऊपर चलते हैं और पूरा नजारा दिखाते हैं आपको। यही वो छतरी है,
देखिए अभी हम फिलहाल यहाँ पर ऊपर आ चुके हैं और ये छतरी बिल्कुल मतलब बहुत पुरानी है। इसके पिलर वगैरह हम जब देखेंगे ना तो आप समझ सकते हैं बहुत पुरानी ये छतरी है और इसका कुछ बनाने का कुछ इतिहास मालूम है कुछ ऐसा? अब ये तो इतिहास तो बहुत पुराना है, ये तो बहुत ही पुराना हजारों वर्ष पुराना इतिहास है जिसको तो कोई बड़े बूढ़े ही बता सकते हैं। इसके पत्थर वगैरह आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि मतलब बहुत पुरानी है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है लेकिन ये कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ गांव के और लोग यहाँ पर बैठे हैं इस छतरी के अंदर, तो चलते हैं। और ये वो जगह है जिसे फिल्म के गाने के अंदर हमें दिखाया गया है। एक सीन के अंदर तो जो करीना कपूर जो होती है वो यहीं पर रहती है और अभिषेक बच्चन यहाँ पर रहते हैं। और ये जो पिलर आप देख पा रहे हैं इस छतरी के, इनका सीन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद फिर देखिए एक सीन को थोड़ा दूर से दिखाया गया है कैमरा कम करके, जब वो इस छतरी के अंदर से जब यहाँ से जाने लगते हैं तो वो सीन दिखाया जाता है। सभी सीन के स्क्रीनशॉट में लगाता जा रहा हूँ। तो अभी नीम आ गई बीच में, पहले ये नीम नहीं थी। हाँ अच्छा, अभी देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ वगैरह और बड़े बड़े हो चुके हैं। इसके अलावा सामने भी कुछ एक स्ट्रक्चर बना हुआ जिसका सीन हमें दिखाया जाता है, मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल अभी इस छतरी को आप देख सकते हैं, अभी हम यहाँ पर अंदर आ चुके हैं और ये इसकी गुंबद है। तो ये गांव के लोग हैं सभी, यहाँ पे फिजी फिल्म की शूटिंग हुई है यहाँ पे। तो आप में से किसी ने देखी थी उस टाइम में? नहीं भैया ने देखी थी। अच्छा, फिल्म यहीं पे बनी थी ना? ये सब बच्चे थे उस टाइम। और जो हाँ मतलब वो जो कुआ जो रहता है जहाँ पे वो पानी पिलाती है, यह कुआ तो जब थपड़ो भी बने तो ये बना हुआ रूम, ये कुआ है वो। हाँ नहीं ये तो वो चारे का है कुछ वहाँ पे बना हुआ, यही कुआ है वो। यहाँ एक छपरी बनी हुई थी उस टाइम। इसके अलावा देखिए कुछ सीन के अंदर ये जो पहाड़ आप देख पा रहे हैं, पहाड़ों का नजारा दिखता है तो वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों गाने के अंदर एक सीन को यहाँ से दिखाया गया है और इस सीन के अंदर जो करीना कपूर जो होती है वो यहीं पे खड़ी रहती है और उनके पीछे ये जो जो पहाड़ आप देख पा रहे हैं ना, पूरे इन पहाड़ों का नजारा हमें देखने को मिलता है और ये जो नदी है इस नदी का नजारा देखने को मिलता है। इसके बाद जब यहाँ से उनकी शादी होके जब वो यहाँ से जब जाने लगते हैं ना, तो जो करीना कपूर जो होती है देखिए यहीं पर बैठी रहती है। ये जो सामने फिक्स जो ये जो जगह आप देख पा रहे हैं, इसी जगह करीना कपूर बैठी रहती है और वो हंसती रहती है गाने के अंदर। तो ऐसा कुछ सीन हमें देखने को मिलता है। ये पिलर वगैरह आप वैसे ही देख सकते हैं, आज भी फिल्म का एक सीन यहीं से हमें दिखाया जाता है। इसके बाद एक सीन को और मैं आपको मैच करवाता हूँ। जब वो यहाँ से चले जाते हैं तो यहाँ से जब जाते हैं ना तो एक किले का और सीन हमें देखने को मिलता है, तो उस सीन को भी मैं आपको मैच करवा देता हूँ। देखिए इस सीन को मतलब यहीं से हमें दिखाया गया है, दूर से ही कैमरा एंगल करके दिखाया गया है सीन। तो वो जो सामने पहाड़ के ऊपर एक पुराना किला आप देख पा रहे हैं तो उसका सीन दिखता है। यहाँ पर मतलब जो अभिषेक बच्चन जो होते हैं वो यहाँ पर जाते रहते हैं, तो वो सीन यहाँ से दिखाया गया है, आप स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हैं। अभी मतलब कुछ टूट फूट वहाँ पर हो गई है लेकिन सीन यहीं से दिखाया गया है। अभी दोस्तों मैंने आपको वो छतरी तो मैंने आपको दिखा दी है जिसे फिल्म के गाने के अंदर दिखाया गया है। अभी वो इंटरेस्टिंग लोकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो गाने के अंदर सीन कुछ इस प्रकार से आता है। जो करीना कपूर जो होती है वो बहुत सी मटकियाँ एक कुएं के ऊपर रखी रहती है और वहीं पर फिर वो अभिषेक बच्चन को पानी पिलाती है, तो ऐसा कुछ सीन होता है। तो अभी हम बेसिकली वहाँ से नीचे उतर रहे थे तो इस खेत के अंदर ये गांव की कुछ महिलाएं यहाँ पर काम कर रही है, तो इन्होंने हमारे को बताया कि वो जो कुआं जो है वो यहीं पर है। अभी क्या है यहाँ पे चेंजेस हो गए हैं तो अभी जानने को तो होता नहीं है, लेकिन इन महिलाओं ने उस टाइम में फिल्म की शूटिंग होते हुए देखी थी तो इन्होंने हमारे को बताया कि ये कुआं यहाँ पर है। अंकल जी ये जो अभी हम जिस खेत के अंदर चल रहे हैं ये मतलब किसकी खेती है? ये गंवार की है। गंवार की खेती है ना? अच्छा, तो अभी हम इस खेत के अंदर है और जो कुआ जो फिल्म के गाने के अंदर दिखाया गया है वो बेसिकली यहाँ पर है और वो यही कुआ है। वो यहाँ पे चकली और वो मांडल लगा हुआ था उस टाइम, आज से 18-19 साल पहले की बातें हैं ये, जब यहाँ चकली लगी हुई थी पानी खींचते थे लोग पीने के लिए। अच्छा, मतलब उस टाइम में कुएं में पानी था और वो वैसे खींचते थे नॉर्मली पीने के लिए खींचते थे सब। उसी टाइम गणगौर वाली लड़कियां यहाँ आई हुई थी। अच्छा, तो उन्होंने यहाँ पानी भरने आई थी तो वो सीन यहाँ फिल्म आया गया होता। अच्छा, जब वो लड़कियां लोटे लेके आई तो करीना कपूर अभिषेक बच्चन जी का यहाँ सीन, उन्होंने उनको पानी पिलाया पानी खींच के करीना जी ने। अच्छा, तो मतलब उस टाइम में इस कुएं के अंदर पानी था ना? हाँ,
और आज भी होगा थोड़ा बहुत, तो ऐसी बात नहीं, नहीं आज तो बिल्कुल नहीं है। ये ठंडी कोई थी, एकदम ठंडा पानी निकलता था इसमें, और ये मांडा लगा हुआ था यहाँ। अच्छा हाँ, यहाँ चाक ली थी बीच में और इधर से उन्होंने पानी निकाला था। अच्छा, इधर से खींच के और उन्होंने इधर पानी पिलाया था उनको। अच्छा, और वो जो मटकियां वगैरह रखी हुई थी, थोड़ा वो, पीछे से दिखाओ, वो मटकियां यहाँ थी, छतरी भी दिखती है ना उसमें। हाँ, वो मटकियां यही रखी हुई थी, कोरी खाली मटकियां। अच्छा, तो वहीं से मटकी लाकर उन्होंने तो एक बार तो बच्चे को पानी पिलाती है, एक बार अभिषेक बच्चन को पानी पिलाती है, ऐसा सीन होता है। पहले बच्चों को पानी पिलाया, फिर उनको पिलाया, फिर गणगौर वाली लड़कियों का भी सीन उसमें आया था। हाँ, अच्छा, ये देखिए, ये जो स्क्रीनशॉट वाला सीन आप देख पा रहे हैं, इस सीन के अंदर यहाँ से करीना कपूर जो होती है ये वही कुआ होता है, और यहाँ से वो मतलब उस बच्चे को एक बार, एक बच्चे को पानी पिलाती है, और एक सीन के अंदर फिर अभिषेक बच्चन को पानी पिलाती रहती है उस मटकी से। तो वो जो सीन है गाने का यहीं से दिखाया जाता है। उनके पीछे देखिए इस कुएं का नजारा दिखता है, और वो जो पीछे जो छतरी आप देख पा रहे हैं अभी मैंने जो आपको दिखाई है, उस छतरी का सीन दिखता है। तो स्क्रीनशॉट के अंदर आप मैच कर सकते हैं, फिल्म का वो जो सीन है यहीं से दिखाया गया है, यहीं से करीना कपूर इसी कुएं से पानी भरती है, और वो फिर पहले खुद अपने आप के ऊपर उस पानी को डाल लेती है मटकी से, वो जो सीन है यहीं से दिखाया गया है। वो तो, इतना ही ठंडा पानी था, और ये सीन आप देख सकते हैं फिल्म का यहीं से फिल्माया गया था। और अंकल जी वो एक सीन आता है जिसके अंदर जो अभिषेक बच्चन वो ऊंट को लेके जाते रहते हैं, वो सीन यहीं, ये मतलब इस नदी का ही था ना वो सीन, वो टीबो का सीन था यहीं का। अच्छा, अभी मतलब मिट्टी के टेले वगैरह है नहीं। फिल्म के ये जो स्क्रीनशॉट वाला सीन आप देख पा रहे हैं, ये भी सीन यहीं से दिखाए गए हैं। इधर ये जो मतलब ये नदी है, यहाँ पर पहले रेत के टीले ज्यादा हुआ करते थे, तो अभिषेक बच्चन यहीं से वो ऊंट लेके आते रहते हैं। तो फिल्म के वो जो सीन है यहीं से दिखाए गए हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको करीना कपूर और अभिषेक बच्चन की जो पहली जो फिल्म थी, जिस फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था, रिफ्यूजी फिल्म, इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन इस वीडियो के जरिए मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, और फर्स्ट टाइम हमने हमारे इस चैनल के जरिए आपको ये लोकेशन दिखाई है। तो ये वीडियो और ये लोकेशन आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। और इन अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमारे को ये लोकेशन बताई। और इनकी बेसिकली शॉप है वहाँ पर रोड के ऊपर, तो ये हमारे साथ आए हैं और लगभग 2 घंटे के साथ हमारे साथ में 2 घंटे से, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।